हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जो हम क्लास ट्वेल्थ का सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कर रहे थे, वहाँ पर हमने चार प्रिंसिपल्स देख लिए थे यूनिटी ऑफ कमांड तक। और आज हम करने वाले हैं फिफ्थ प्रिंसिपल से, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि जो बच्चे मेरे क्लास ट्वेल्थ के लाइव क्लासेस में एनरोल होना चाहते हैं, लाइव क्लासेस करना चाहते हैं ग्रुप में या प्राइवेटली, आप व्हाट्सएप पर बात करके ज्वाइन कर सकते हैं वन टाइम फीस में। व्हाट्सएप नंबर मेरा 9690105047 है, वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा। चलिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वन यूनिट मीन्स वन प्लान। इस प्रिंसिपल के अनुसार एक यूनिट का मतलब होता है एक प्लान। डेट इज़ द एफर्ट ऑफ ऑल द मेम्बर्स एंड एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टुवार्ड्स वन डायरेक्शन। जितने भी लोग हैं, जितने भी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन सबके जो एफर्ट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए। इफ दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड इट लीड्स टू कोऑर्डिनेशन। अगर ये प्रिंसिपल लागू किया जाता है तो इससे हमें कोऑर्डिनेशन होता है। ईच डिपार्टमेंट एंड ए ग्रुप Having common objective must have one head, one plan only. हर डिपार्टमेंट का एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, तो उसके लिए उनके पास एक ही प्लान हो, एक ही हेड हो, वो ज़्यादा बेटर है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक, मेडिसिन, कन्फेक्शनरी आइटम, ईच प्रोडक्ट हैज़ इट्स ओन मार्केट। अब यहाँ कहा जा रहा है कि अगर एक कंपनी है जो अलग अलग प्रोडक्ट बनाती है, कॉस्मेटिक भी है, मेडिसिन भी है, कन्फेक्शनरी भी है, तो उसके हर प्रोडक्ट का जो मार्केट है वो अलग होगा और हर प्रोडक्ट का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होगा। तो उसको जो अपने प्लान्स हैं वो उसी हिसाब से डेवलप करने पड़ेंगे। अगर इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो हमें पॉजिटिव चीज़ क्या मिलेगी? पॉजिटिव चीज़ मिलेगी कि जो भी हमारा अचीवमेंट है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो अचीव हो पाएंगे, सारे एम्प्लॉइज़ का जो एफर्ट्स है वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कोऑर्डिनेशन की कमी होगी, एफर्ट्स का वेस्टेज होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज होगा और हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल है सिक्स्थ, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब सबऑर्डिनेशन एक तरीके का कोऑर्डिनेशन जैसा ही है। अब समझेंगे ये क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सपर सेट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉय। इस प्रिंसिपल के अनुसार जो हमारे कंपनी की इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट और इंडिविजुअल और एम्प्लॉय की इंटरेस्ट एक हो जाए। कैसे? इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉय आर वर्किंग विद सम कॉमन ऑब्जेक्टिव एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय हैं वहाँ वो किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव से काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देन देर इज़ नो प्रॉब्लम, बट इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बोथ ग्रुप आर डिफरेंट डायरेक्शन देन मैनेजर मस्ट ट्राई टू रिकाउंसिल इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर जो एम्प्लॉय है उसकी इंटरेस्ट से फ़ायदा उसी डायरेक्शन में हो रहा है जो कंपनी चाहती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मैनेजर को उसकी इंटरेस्ट को कंपनी की इंटरेस्ट से मैच करना पड़ेगा। सर ये कैसे होता है? मान लीजिए कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय हैं वो सब क्या चाहते हैं कि सबकी अच्छी सैलरी हो। अब मैनेजर आया, उसने कहा कि अगर आप लोग मेरा ये टारगेट इस टाइम तक पूरा कर देते हो तो मैं आप सबको आपकी सैलरी में 5% एक्स्ट्रा दूंगा। तो अब सबका इंटरेस्ट क्या हो गया कि हमें काम को टाइम पर करना है ताकि सैलरी में 5% बढ़ जाए, और सैलरी में 5% बढ़ेगा तो काम टाइम पे होगा जिससे हमारी कंपनी का फ़ायदा होगा। तो उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। पॉजिटिव नेगेटिव वही सेम है अभी हमने जो पीछे देखे थे। देन है सेवेंथ प्रिंसिपल, रेमुनरेशन ऑफ पर्सन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली और एडुकेटली टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। इस प्रिंसिपल के अनुसार जो भी कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको एक फेयर अमाउंट देना चाहिए जितना उनका बनता है, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई हों और अच्छे से काम करें। एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर बेजिंग सैलरी विच वुड गिव एटलीस्ट एज रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उन्हें इतना पैसा तो मिले जितना बनता है, जिससे वो अपना जीने का तरीका जी सकें, सुधार सकें, जैसा भी आप कह सकते हो, है ना, जैसे फाइनेंशियल कैपेसिटी देखी जाती है।
एक हमारे गवर्नमेंट का मिनिमम वेज एक्ट होता है, उसके हिसाब से इतना पैसा मिलना ही चाहिए, वो देखा जाता है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है भाई, एम्प्लॉय आपका मोटिवेट रहेगा, है ना, जो उसने वादे किए हैं वो टाइम पर पूरे करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो टर्नओवर है एम्प्लॉयज़ का वो गलत चला जाएगा और एम्प्लॉय हमारा डिमोटिवेट डिसेटिस्फाई रहेगा। फिर आपका, इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल भी कह सकते हो, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है, सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पावर ऑफ अथॉरिटी है वो सिर्फ कुछ ही हाथों में है, जैसे कि सिर्फ टॉप लेवल। और डिसेंट्रलाइजेशन मीन इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि जितनी भी लेवल है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सब पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना। फ्योल के अनुसार, फ्योल जी कहते थे जो हमारी कंपनी होनी चाहिए वो ना तो कम्प्लीटली सेंट्रलाइज होनी चाहिए और ना ही कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए, कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए जहाँ पर डिपेंड करे हमारे नेचर की तरफ से, साइज की तरफ से। अगर आ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी वेल ऑर्गेनाइज एंड मैनेज विद सेंट्रलाइज टेक्निक, बट इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देर इज़ नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आपकी जो कंपनी है वो छोटे लेवल पर काम कर रही है तो वहाँ पे आपके लिए सेंट्रलाइजेशन अच्छा है, लेकिन अगर कंपनी बड़े स्तर पे काम कर रही है तो वहाँ पे आपके लिए डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है। सेकेंडली, इफ़ एम्प्लॉय आर एफिशिएंट एंड कम्पिटेंट देन दे कैन बी ट्रस्टेड बाय हैविंग डिसेंट्रलाइजेशन। अगर आपके एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, आप उनको भरोसा कर सकते हो, तो आप डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करो। अगर एम्प्लॉय कम है, डेवलप्ड नहीं है, तो आप सेंट्रलाइज करो, है ना। दोनों का आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या हैं, बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन एज वेल एज डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप यूज़ करोगे, आपके डिसीजन जल्दी ले ली जाएंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, 9th प्रिंसिपल। आपका प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन आपका क्या होता है, स्केलर चेन मींस लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये हाईएस्ट रैंक पे बैठा है, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है वो एक चेन को फॉलो करते हुए पहुंचनी चाहिए। अगर हमारा जो कांटेक्ट है, हमारी जो बातें हैं, वो एक चेन को फॉलो करते हुए पहुंचनी चाहिए, है ना, बिना किसी को स्किप करे हुए। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में या शॉर्टकट लेने की नीड पड़ सकती है तो आप डायरेक्ट ले सकते हो, जिसको हम कहते हैं गैंग प्लांक। लेकिन अगर आप स्केलर चेन का इस्तेमाल करते हो तो एक इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो सिस्टमेटिक बनेगा और कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, है ना। गैंग प्लांक क्या होता है, गैंग प्लांक परमिट करता है कि आप किसी भी इम्प्लॉय से जो अलग अलग पोजिशन पर काम कर रहे हो, विदाउट स्केलर चेन को फॉलो करे हुए आप बात कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं गैंग प्लांक। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके 10th प्रिंसिपल से, जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर।